आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 सेकेंड काउंसलिंग डीपीआई विभाग जिले बार पद संख्या। वर्ग 3 सेकेंड काउंसलिंग में डीपीआई में किस जिले में कितने पद आए हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के अपने इस टॉपिक की ओर। तो देखें, इस क्रम में सबसे पहला नाम है मुरैना। मुरैना में कुल पद हैं 300। शिवपुर में 150 पद हैं। दतिया में कुल 50 पद हैं। यह जो हम जानकारी दे रहे हैं नॉन गेस्ट के लिए है। शिवपुरी में 440 पद, गुना 110 पद, टीकमगढ़ 350 पद। छतरपुर में कुल 500 पद हैं। पन्ना में 400 पद, सागर 600 पद, दमोह 340 पद, उमरिया 150 पद, सिंगरौली 492 पद। सिंगरौली बैकलॉग में कुल 308 पद हैं। नीमच 150 पद, रतलाम 450 पद, उज्जैन 400 पद, खंडवा 189 पद। खंडवा बैकलॉग में 151 पद हैं। विदिशा में 350 पद, रायसेन में 150 पद, हरदा 60 पद, कटनी 70 पद, नरसिंहपुर 160 पद। अशोकनगर 330 पद, निवारी 50 पद, आगरमालवा 50 पद, मंदसौर 150 पद, सीधी 460 पद, सीधी बैकलॉग 133 पद। कुल पदों का योग जो 7500 है, और 7500 में बैकलॉग पद भी हैं। जैसे कि हम और आपको पता है कि सभी पद रिटायरमेंट के हैं, पर जी नहीं, इन रिटायरमेंट पदों के साथ 592 पद बैकलॉग पद भी हैं। तो 7500 में इतने अधिक संख्या में बैकलॉग आए हैं। तो जो फ्रेश पद हैं कुल सभी कैटेगरी के लिए 6908 हैं। यदि आपकी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।